सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं फिल्मी गेट। तो गाइज, आज जो है दृश्यम का ट्रेलर आ चुका है, तो ट्रेलर का हम रिव्यू करेंगे, ट्रेलर को देखेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे और देखते कैसा है ट्रेलर होने वाला है। दृश्यम 2 जो मलयालम फिल्म है वो मैं देख चुका हूं और मैं उसका तेलुगु वर्जन भी देख चुका हूं, तो मुझे पता है फिल्म की स्टोरी क्या है और क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी पता है। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें स्पॉइल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ट्रेलर को देख के ही उस पर जजमेंट दूंगा और थोड़ा बहुत जो है ओरिजिनल फिल्म से कंपैरिजन करूंगा। तो इसके अंदर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे, जो ट्रेलर में दिखाया है उसी पर बातें की जाएंगी, क्योंकि फिल्म की स्टोरी मुझे पता है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है, ये मुझे मालूम है। तो देखते हैं अजय देवगन जो है हिंदी में कैसे बना पाते हैं इसको, तो देखते हैं कैसा होता है। सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। सात साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गरम हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आए हो, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है। मार्टिन्स कॉर्नर बड़ा हो गया भाई। पापा, वो पुलिस आ रही है। केस पढ़ने से ओ भाई, अक्षय खन्ना की वापसी हो रही है। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन, बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों मार रहे हैं? कहीं आपने भाई को तो। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। थोड़ी अलग है भाई स्टोरी। तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, मगर वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं ये छानबीन चलती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर। इसके बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। सर, बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय बाबू ने बॉडी वहीं छिपाई है। आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, भाई आज भी वही करूंगा। मेरा नाम विजय सर और ये मेरा कन्फेशन है। और ये मेरा कन्फेशन है। तो भाई टीज़र जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मुझे कुछ कुछ इसमें अलग भी नज़र आया, जो ओरिजिनल मोहनलाल सर की जो मूवी थी दृश्यम 2, उससे काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें जो है अलग भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है स्टोरी मुझे वही लग रही है, सेम जो मलयालम फिल्म की स्टोरी थी वही वाली स्टोरी है, लेकिन थोड़ा सा अलग प्लॉट दिखाया गया। और अक्षय खन्ना का रोल जो है काफ़ी बड़ा है इसमें, और जो मलयालम फिल्म थी उसके अंदर जो पुलिस वाले का रोल था वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इसमें दिख रहा है, और हो सकता है ट्रेलर में इतना दिखाया, बाकी रियल फिल्म में कितना है वो तो फिल्म आने पता लगेगा। फिल्म ये बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे मालूम है, मैंने देखी हुई है, तो फिल्म में बहुत मजा आएगा। लेकिन वही बात है कि ये एक रीमेक है तो इसका गड़बड़ हो सकता है मामला। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि दृश्यम 2 का भी हिंदी डब्ड वर्जन नहीं आया था, तो हिंदी डब्ड वर्जन नहीं आया था तो लोगों ने नहीं देखी थी, तो इसलिए हिंदी ऑडियंस जो है इस फिल्म को देख सकती है। और इसकी एक्साइटमेंट और इसका जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि दृश्यम 1 भी काफी अच्छी चली थी, तो इसलिए ये फिल्म चल सकती है, तो इसलिए ये फिल्म जो है अच्छी चल सकती है। आई होप कि ये अच्छे से चले और ये फिल्म जो है बहुत बढ़िया होने वाली है, मज़ा आएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे कोई फिल्म आएगी तो उसका रिव्यू वगैरह करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।